हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चाउमीन, वेज चाउमीन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाउमीन को इस तरीके से अलग निकाल लिया है और यहाँ पे चाउमीन मैंने ये वाला चाउमीन लिया है। तो चलिए हम चाउमीन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पानी पहले ही बॉयल करने रख दिया था, पानी हमारा बॉयल अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर मैंने बड़े गिलास के 3 गिलास पानी ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। इसमें ऐड करेंगे चाउमीन, मैंने इसको इस तरीके से 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। सारा इसमें ऐड कर देंगे और अब इसमें ऊपर से मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। 2 चम्मच या 1 चम्मच आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अब इसको मिक्स कर लेंगे और चाउ को हमें पूरा नहीं, बिल्कुल बॉईल नहीं करना है, 80% बॉईल करना है। मतलब जैसे थोड़ा सा चाउमीन जब कच्चापन हो तभी हमें इसको निकालना है और हमारा गैस का फ्लेम हाई पे ही होगा। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि जो हमारा नमक अच्छे से इस पे मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चाउमीन, अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये 80% कुक हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हमारा जो चाउमीन है उसको एक प्लेट में निकाल लिया है और आप ऐसे ही फैले हुए बर्तन में ही रखें ताकि हमारा जो चाउमीन में बिल्कुल जल्दी से ठंडा हो जाए और हवा लगे, बिल्कुल ये नरम ना हो। तो आप देख सकते, बिल्कुल एक पैन गर्म करने रख दिया था। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी, 2 से 3 चम्मच। और अब हम चाउमीन के लिए, मैंने यहाँ पे कैबेज को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे गार्लिक थोड़ा सा, 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा कैप्सिकम और मैंने 1 बड़ा अनियन कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे जिंजर का पेस्ट ऐड करूँ। मैं इसके ऊपर से अनियन ऐड करूँगी और हमारा जो गैस का फ्लेम है वो हाई पे ही रहेगा। बस थोड़ा सा हमें कुक करना है, ज़्यादा नहीं, जैसे इसका कच्चापन थोड़ा सा हट जाए। तो इस तरीके से हमें 8 से 10 सेकंड के लिए हाई पे चलाना है इसको। ये देखिए, हमारा 8 से 10 सेकंड हो गया है और अब मैं इसमें डालूँगी कैबेज। कैप्सिकम मैं थोड़ा बाद में ऐड करूँगी। अब इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। बस इसका थोड़ा सा कच्चापन हट जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिली। अब डालूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इससे क्या स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। अब डालूँगी मैं जो हमारा कैप्सिकम है उसको मैं ऐड कर लूँगी। तो पहले मैं 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड करेंगे, टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, लास्ट में सोया सॉस। सोया सॉस मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली सॉस, रेड सॉस 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं सारे। अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा गैस का जो फ्लेम है वो हाई पे ही रहेगा। और अब हम इसमें हमारा चाउ ऐड करेंगे। तो ये देखिए चाउ हमारा, आप देख सकते हैं, इसमें हमने पहले नमक ऐड किया था तो हल्का सा नमक हम ऊपर से और ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि जब हमने बॉईल किया था तब ऑलरेडी हमने नमक ऐड किया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको फोक और चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे चाउ बिल्कुल नहीं टूटेंगे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चाउ है वो बिल्कुल चाउमीन रेडी। तो आपके पास अगर स्प्रिंग अनियन हो तो आप ऊपर से इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है तो मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारा चाउमीन परफेक्ट बन गया है और अब मैं प्लेटिंग करके आपको बता। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेज चाउमीन बिल्कुल रेडी, 5 मिनट में बन के रेडी। तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिए। और ये देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल इतना सुनहरा सा कलर। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।